नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल में। फिर से लेके आया हूँ दोस्तों एक नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करा गया है, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन जो है वो मांगे गए हैं। लास्ट डेट जो है वो है 15 अप्रैल 2019। आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन मोड से आपको आवेदन करना है और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन जरूर जो है वो रीड करिएगा। सो वीडियो में सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में जो है मैं आपको बता दूंगा और साथ ही वीडियो के लास्ट में ये भी बता दूंगा कि कहाँ पे जाके आपको इसके लिए जो है आवेदन करना है। तो ध्यान से इस वीडियो को जो है वो बिना स्किप करे हुए देखिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए अगर आपने बीटेक करी हुई है कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग करी हुई है कंप्यूटर साइंस करी हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो करी हुई है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने एमसीए करी हुई है, मास्टर डिग्री है आपके पास कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आईटी में या सीएससी में, तो आप इसके लिए भी जो है आवेदन कर सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट है दोस्तों वो है नर्स की, जिसमें बीएससी जो है वो मांगी गई। अगर आपने नर्सिंग करी हुई है तो आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन विजिट करना मत भूलिएगा। तीसरी जो पोस्ट है दोस्तों वो है क्लर्क की, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 22 है। ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई, साथ में आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो चौथी जॉब है वो है स्टेनो की, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। और बाकी अगर बात करें आपकी कौन आवेदन कर सकता है, तो यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है किसी भी स्ट्रीम में और कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो पीएन की जॉब के लिए मात्र 10वीं पास मांगा गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 17 है, तो इसके लिए भी आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं। बाकी भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं, उनके लिए जो है आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर रीड कर लीजिए, क्योंकि उनमें जो है एक दो जॉब में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। बाकी जिन जॉब के बारे में मैंने आपको बताया उसमें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बाकी अगर आपके पास होगा तो आपको प्रेफरेंस जरूर जो है वो मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, तो 500 रुपये की फीस जो है वो रखी गई है। अगर आप जो है वो हरियाणा से हैं और जनरल कास्ट से आते हैं या ओबीसी से आते हैं तो आपको 500 रुपये की फीस देनी है जनरल कास्ट वालों को, और अगर आप बाहर की स्टेट से अप्लाई करें तो भी आपको 500 रुपये की फीस पे करनी है। यानी कि जो रिलैक्सेशन होगी 125 रुपीज़ उनको देने हैं, जिन एससी बीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, और वुमेन को जो है वो 50% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। तो 125 रुपये फीस जो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट को मिलेगा। बाहर की स्टेट वालों को जो है वो 500 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन जरूर विजिट करें, और अगर आपको जो है फीस पे करनी है तो आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी ये हो जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई कि अगर आप जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेके आपको जो है यूनिवर्सिटी के ऑफिस तक भी पहुँचाना होगा 30/4/2019 से पहले पहले। तो ये जानकारी भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप रीड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो नोटिफिकेशन में दोस्तों बस यही सब कुछ लिखा गया, मैं ले चलता हूँ आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, बता देता हूँ कहाँ पे जाके आपको इसके लिए जो आवेदन करना है। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे आना है, ये लिंक मैं आपको ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नोटिफिकेशन का लिंक भी अलग से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे आके अगर आप देखेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये सभी की जानकारी के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और साथ ही जो है नोटिफिकेशन नीचे डाउनलोड हो जाएगी, अलग अलग नोटिफिकेशन है। तो आप यहाँ से इन चार सेक्शन पर क्लिक करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का बटन सा बना हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक देंगे आप नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे, और उसके बाद आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी है, और उसके बाद अप्लाई कर देना है इस जॉब के लिए। यहां पे क्लिक करना है और अप्लाई करना शुरू कर देना है। सो ऐसे दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।